ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਨਾ ਅਹਿਮਦ ਬੋਲੋ ਅਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸੇ ਇਸਕੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਥੀ ਇਸਕਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁਆ ਥਾ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੀ ਫਿਰ ਪਤਾ और जी इसके पापा लेकर आए वो क्या कहते हैं अम्मी से फोन किया फक्की फक्की लेकर आए कहीं पंसारी की दुकान से वो इसको दी और इसका पेट सही हुआ तो फिर इसे अभी जी ब्रेक है और क्या खाया जा रहा है छुप छुप के मोटू क्या खा रहे हो आप भी खा लो क्या खा रहे हो अमरूद सती काफी है ना निकली मारी जी नहीं यहाँ भी खाला देखी खाला खाला क्या हाल चाल है जी मेरी YouTube फैमिली उम्मीद रखना तुम मेरे सारे भैन भरा ठीक ठाक हो गए अल्लाह के हुक्म नाल फिट फाट हो गए अल्लाह ताला तुहानू सारे तंदुरुस्ती सेहत दे तंदुरुस्ती हजार नेमत आ ते हर टाइम अल्लाह ताला दा शुक्र अदा करना चाहिए वा शुक्र एक ऐसा लफज आ कि अल्लाह ताला खुश हो जाते ने तो फरिश्तियां कह दें कि इन्हें रस्ता साफ कर दे मेरा शुक्र अदा करते ने हर एक शायद से अल्लाह ताला शुक्र अदा करे करो तो अज असी हूँ की कर लगे जी ये भी तुम दिखाने दसते हैं ते तुसी सानू दसना वा कि किवें के किदा ये ठीक आ कि नहीं ठीक आ हाँ जी की बनाना जा रहे हैं ये रेसिपी है ताडे नाल शेयर करांगे सारी ते तुसी साडे नाल रहना वा ते वीडियो नू जरा जिन्ना भी कट कट के नहीं वेखना कट के नहीं देखना फिलहाल हुण तक बस लगे अग हाँ मैडम साहब कहंदे ते रेसिपी बननी अग ते ही आ क्योंकि ये जड़ी है ना अग ज्यादा लैंदी आ असी जो है ना सिलेंडर ते नहीं बनानी नहीं तो सारा सिलेंडर इतना ही फूकिया जाना तां सानू दोबारा चूल्हे ते आना पिया जेड़ा असी ना दस दिन का सिलेंडर एक रेसिपी ते नहीं फूक सकते हां जी जी रोशनदान भी खुलिया होया उतो हां जी जी हल्की हल्की धूप निकल आई आ हुण जी एक प्याज नहीं मिलदे पे इन्ने महंगे प्याज होए 250 रुपए किलो होए जेड़ा सब्जी वाला आंदा वा मसाला ते दे दिंदे जदो उन्हां नूं प्याज दा पुछदे ओ कहंदे असी पिछों असी भी नहीं लैके आ रहे प्याज 250-300 रुपए किलो प्याज है हां जी ते गरीब बंदा की करे की ना करे गरीब दा ते अल्लाह ही है बस असी भी फिलहाल किन्ने दिन हो गए आ प्याज बगैर ही हांडी बना रहे आ ते वल्ला बड़ा ही प्यारी बनन दई आ हैना अच्छा चलो जी अच्छा आग जलाओ आग जलाओ नमाज पढ़ के ते यानी असी सीधा किचन आ गए हां ते हुन साडी आग जलाई जा रही है साफ करके हुन आग बलंगो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਗ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੂਨ ਆ ਨਾ ਮੂਨ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਯਾਨੀ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਈਏ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ रेसिपी नायाब रेसिपी है जी राशद बड़ी फेवर आ की फूंगड़ा मेरे लिए चख लिया अच्छा अच्छा चलो चलो जी हुण ओपन किचन दे थले राशद साहब बैठन गए अज उन्हां नूं भी पता लग गया कि साडी जिहड़ी है ना अहमद दी मामा किस तरह ओपन किचन च बनांदे रहे खाना हाँ वो जरा धुआं खिंचन वाला है किचन का साडा हवाई आ हवाई अड्डा है
ਪਿਆਰ ਕੇ ਨੀ ਮਤਾ ਤੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਖਾ ਫੜ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਠਹਿਰ ਮਸਾਲਾ ਫੜ ਲਓ ਫਿਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਨੋਟ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨੰਬਰ ਵਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਧਨੀਆ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਹੀ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਮਿਲ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਵੀ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਣਾ ਜੀ ਤੀਲ ਲਾਈ ਸੀ ਮਸਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੀਲਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਸੱਤੀ ਖੈਰਾ ਹੈ ਚਲਾ ਆਗ ਹਮਾਰੀ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਜ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹੂੰ ਮੂਨ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਧੂਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਹਮ ਔਰ ਜੀ ਅਭੀ ਹਮ ਇੱਧਰ ਚਾਰਪਾਈ ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਕੇ ਪਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਹੀ ਔਰ ਜੀ ਵੋ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਬ ਕਰੇ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਣਤੇ ਹੈ ਹਮ ਹਮ ਸਭ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣਾ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਾਲਾ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸੋਰੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁਣ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਬੋਲੋ ਅਬ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਬਹ ਸੇ ਇਸਕੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਥੀ ਇਸਕਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੁਆ ਥਾ ਇਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਥੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਔਰ ਜੀ ਇਸਕੇ ਪਪਾ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਵੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ ਅੰਮੀ ਫੋਨ ਕੀਆ ਫੱਕੀ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਕਹੀ ਪੰਸਾਰੀ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਸੇ ਵੋ ਇਸਕੋ ਦੀ ਔਰ ਇਸਕਾ ਪੇਟ ਸਹੀ ਹੁਆ ਤੋ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਆਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਕਰੋ ਮੂਨ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਪਪਾ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜੇ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਪਪਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪ ਖਾਓਗੇ ਕੈਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਓਗੇ ਆਵੇ ਕਟਨਾ ਕੈਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਹਿਮਦ ਇਧਰ ਨਮ ਨਮ ਕਾਕੇ ਕੈਸੇ ਖਾਓਗੇ ਨਮ ਨਮ ਕਾਕੇ ਜੀ ਤੋ ਜੀ ਮੈਨੇ ਮਸਾਲਾ ਪਾਸ ਰੱਖਾ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਪੰਗੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੋ ਜੀ ਪਿਆਜ਼ ਕਾਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਧਰ ਅਹਿਮਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸਾਲਾ ਮੈਨੇ ਕਾਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਪਾ ਕੇ ਪਾਸ ਖੜਾ ਹੈ ਪੜੋ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੁਣਾਓ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸਲਿਆਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਬਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਕੈਸੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹਮੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਅਹਿਮਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੁਣ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਮੋਨ ਪੌਪਕੌਰਨ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਪੌਪਕੌਰਨ ਯੇ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਫੁੱਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲੇ ਫੁੱਲੇ ਅਹਿਮਦ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਆ ਫੁੱਲੇ
हां जी जी हुन की घी पा दिता वा नजदीक चो भी दिखा दिने थानू मेरा भी नमाज का टाइम हो रहा वा फिर मून कैमरा पकड़न गे ना नमाज पढ़ के मैं चल तुम पढ़ लो नमाज मामा को नहीं देने मामा को दिए ही नहीं मुंह में निकाल के नहीं खालो 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 मुंह चो कड़ के दे लगा जी मेरा बेटा ऐसे हां जी अहमद खुश हो रहा है ओहो अहमद खुश हो रहा है ना वो आग जली ना यकदम शुक्र है अब मेरे बेटे की तबीयत ठीक हुई है सुबह से इतनी इसकी मैंने टेंशन ली ना इसको ना वो पेट खराब हो गया था ना इसका क्या लेना है आपने हमें बताए ना कपड़ा लेना है अपने पास रखने मून नमक भी लिया दे अपने हाँ जी जी मसाले सारे मिक्स हो गए सारे काली मिर्च बेच रहे है लाल मिर्च सारा कुछ मिक्स है नमक नमक जरा कम ही नमक कम करो हां जी तुसी नमक तेज भी कर सकते हो लेकिन असी जरा नमक ना बैठ बैठ जाओ ना तुसी हां जी ऐ साइड ते आ जाओ कोई मसला नहीं इधर आ जाओ साढ़े कुक हां जी कुक इधर आ गए कुकिंग मास्टर है कुकिंग मास्टर इधर आ गए क्योंकि इधरली साइड से इन्हां नूं धूमा लगन दिया सी मेरा हाथ मैं कैमरा ते पकड़िया मेरा हाथ ठरिया पिया हां जी हो गया मसाला हां जी जी ए मुर्गियां दे पाए पहले चंगी तरह धोते हैं अहमद खुश हो रहा है भूख लगी है किसको भूख लगी है मुझे सीढ़िया और मुर्गी के पाए मैं 7 बजे बता अहमद पीछे मुंह करो बेटे
और धुएं के पास ना बैठो ना, आपको फिर खांसी आ जाती है। जान के पुंगे ले जाओ, पीछे हो जाओ ना। आज ये अहमद के पापा की हाथ की हम ये जो है रेसिपी खाएंगे मजे से इंशाल्लाह। मुझे नहीं देने, क्यों? अहमद कह रहा है मम्मा को नहीं देने। इसकी अच्छे से भुनाई की है और वो भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, बाद में आपके आपसे दोबारा मिलेंगे भुनाई के बाद। हाँ जी, चंगी तरह भुनाई हो गई है, सिरी पाया दी। किन्नी देर लगे? 10 to 15 minutes या 20 minutes लगे ना, अगले फिर 5 minutes 10 minutes और ला दें। चलो ठीक, अग थले इन्नी की रहन देनी। चलो ठीक, अहमद अगे हो जा ना बेटा, अग सेक ला तू। मून बाहर चला गया। नमाज पढ़ ली सी ना? हां जी, नमाज पढ़ ली सी। देखो ये अहमद मांग रहा है लग, तो मैं कह रहा हजे तैयार हो रहा वा, तो फिर भी जिद लाई हुई उन्हें, इन्हें खानी जुटी है। ओ अहमद की जेब पड़ गई, अहमद की जेब पड़ गई। अच्छा बेटा पक जाए फिर, देखो ऐसे करता है। चाय टाइम हो गया, जिस बहन भाइयों ने हमारी रेसिपी भी तैयार हो रही है, और जी चाय का भी टाइम हो गया था। मैंने नमाज पढ़ रही थी और चाय का टाइम था, तो चाय हम पी रहे हैं और साथ साथ हमारी रेसिपी भी तैयार हो गई। माशाल्लाह, इसके बाद मैं आटा गूंद लूंगी। राशन में आटा गूंदा, तू आटा गूंदा, बदल भी होया, बारिश का भी दस्त गए। चलो अहमद मैं आटा गूंद लूं। है हाँ जी, मगरब दी अज़ान होने वाली है, शाम हो गई है, ते मैडम साहिबा बैठी हुई है थले, धनिया कट रही है आंटी दे कोल। ते मैडम साहिबा किन्नी की देर आले? बस धनिया कट के धो के लैनी है। धनिया कट रहे हो? हाँ जी। माशाल्लाह, ते तो अंदर चल जाओ, ठंड बहुत हो गई है। ते बच्चे भी तंद होने की करते, मैडम साहब धनिया वाश कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैडम साहब हूं खाना तैयार हो गया, मैं ते रोटी पकाउन लगी हूं। अच्छा ओके, हूं साडी हांडी गई तैयार हो, हूं मैं पाउन लगा धनिया। अहमद ते मून नूं भुख लगी सी ज्यादा, ते कहानी ना देखो बैठा कि अहमद किवें पके पुट सही बने, लून मिर्च लै के दिता मम्मा ने। मून साहब किदा पुट सही बने? भुख लगी मून नूं बहुत लगी, बोलिया ही नहीं जांदा है मून दे कोलों। खा लो खा लो मेरा पुट। जी देखो क्या अहमद, तेन चंगे लगे?
चंगे लगे पुत सालन डोल जू खा ला मेरा पुत खा लो आ भी सालन ता पे अच्छा मेरा पुत खा लो। लो जी ये रेसिपी तैयार हो गई है ते तुसी कमेंट दे विच जरूर दसना मेनू कि तुहानू ये अज दी ये रेसिपी तुहानू किवें दी लगी है ते हुण असीं इहनू लगे खान जिने जिने खाना मोस्ट वेलकम ते आयो ते असीं लगे खान बिस्मिल्ला पढ़न लगे स्वाद ही आ गया मन्ना सर्दी सही ये तुसी दसना सानू अज दी साडी रेसिपी तुहानू किवें दी लगी आ ते तुसी सबसक्राइब करियो शेयर करियो ते साडे चैनल नू सबसक्राइब करियो शेयर करियो ते लाइक भी करियो कमेंट भेजिया करो सानू हौसला वधाई हो जांदी कि साडा किदां दा तुहानू रेसिपी लगदी आ। अहमद वीडियो को लाइक करो वीडियो को लाइक करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को ऑन करो लाइक करो लाइक करो अल्लाह हाफिज बाय बाय बोल दो मिलते हैं फिर तुहानू नेक्स्ट व्लॉग के नाल तब तक के लिए हुण सानू दो इजाजत अल्लाह हाफिज।